और मैं अल्लाह के भरोसे पर उनको यकीन दिलाता हूँ आप सबको कि आप देखिएगा कि आपने इधर शुरू किया, इधर आपके घर में बरकतों की बारिश शुरू हो जाए। कैसे शुरू होगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हजरात ये एक अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी कवी उम्मीद है कि आपके घरों में बरकतों की बारिश होगी। आइए हम जानते हैं वो एक अमल कौन सा है। हज़रत ने इस अमल को बहुत कीमती बतलाया, आइए हम जानते हैं, हज़रत ही की ज़बानी जानते हैं। तो कुरानी दीनदारी हमें चार पैसों के खर्च की तरतीब बताती है, एक मैनेजमेंट सिखाती है, एक सलीका सिखाती है। औरतें जो यहाँ सुन रही हैं, अल्लाह करे आज के इस बयान के सुनने के बाद वो अपने शोहरों को एतमाद में लेकर उनके साथ बैठकर ये कहें कि हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी थोड़ी सी आमदनी को कुरान के बताए हुए तरीक़े पर डिवाइड करें। और मैं अल्लाह के भरोसे पर उनको यकीन दिलाता हूँ आप सबको कि आप देखिएगा कि आपने इधर शुरू किया, इधर आपके घर में बरकतों की बारिश शुरू हो जाए। कैसे शुरू होगी? क्या जानमाज के नीचे से 1,00,000 रुपया निकल आएगा, या रात में कोई फरिश्ता आकर आपको बटुआ दे जाएगा? नहीं, ये जो आपका हर महीने दवा इलाज पर खर्च हो रहा है 5,000 रुपये, बच्चों को सेहत मिलेगी और ये सारा 5-10 हज़ार का खर्चा जो हर महीने के इलाज पर खर्च होता है ये बच जाएगा। कोई मुकदमा चल रहा है, कोई और मसला है जिसकी वजह से आपको साहब लोगों की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती। साहब लोग जानते हैं हम, मा अदरा कमा साहब लोगों, अख्तर खल्किल्लाह अला वजह अल्लाह, मूछों वाला आता है, साहब 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 ये लीजिए साहब ये लीजिए, बड़े इखलास से आप देते हैं, कि दाएं हाथ से देते हैं बाएं हाथ को खबर नहीं होती, सब बच जाएगा। ये इतना आपका चालान होता है ना बाइक का गाड़ी का, वो भी बच जाएगा। मैं सरकार का नुकसान नहीं करना चाहता, सरकार को इंशाल्लाह और रास्ते से फ़ायदा भिजवा दूंगा, उसके तरीके भी आते हैं उनको। जब आप ईमानदार बनोगे तो इनकम टैक्स की चोरी नहीं करोगे, फिर आप ईमानदारी के साथ इनकम टैक्स अदा करोगे, फिर आप ईमानदारी के साथ सेल टैक्स अदा करोगे और GST भी लानत भेजते हुए अदा करोगे। क्या बदतमीजी का टैक्स लगाया है GST, ये है क्या भला? अल्लाह माने इसका फुल फॉर्म डॉक्टर यूसुफ बताएंगे कि असली फुल फॉर्म क्या है GST। जैसे किसी ने कहा कि भारतीय झूठा पार्टी BJP, हाँ भारतीय झूठी पार्टी, जैसे झूठी जैसे जनता, वैसे ही GST का भी कोई फुल फॉर्म मुझे निकाल के देखे, यहाँ कोई काबिल आदमी 50 पैसे इनाम में दूंगा। क्या है GST और ये जा कहाँ रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, हद है बेईमानी की। तो हमारे ऊपर जो इजाफी खर्च होता है, यकीन माने अल्लाह ताला ऐसी बरकत देंगे कि दवा इलाज और मुकदमेबाजी या और वाहियात वजहों पर जो हमारे बहुत से पैसे खर्च होते हैं, अगर अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर हम माहाना आमदनी को खर्च करेंगे तो ये सारा पैसा बर्बाद होना बच जाएगा, कम पैसों में हमारा काम बनना शुरू हो जाए, इसी को बरकत कहते हैं।